हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस बार जो हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की डेट 31 अप्रैल लास्ट थी, पर अभी अगर हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो वहां पे ये लेटेस्ट अपडेट आया है कि जो लिंकिंग पैन विद आधार कार्ड इज़ 31 जून 2021 दिया गया है। तो इसको कैसे लिंक करेंगे ये पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे। जिनका अगर लिंक है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आप जो भी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन करें। मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर गूगल ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडियन efilling.gov.in। जैसे हम ये टाइप करेंगे उसके बाद सर्च में जाएंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट का लिंक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से हम इसका जो होम पेज है वहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, ऊपर लाइन भी स्क्रॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें हमें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और नेम ऑफ एज ए पर आधार कार्ड क्या है वो टाइप करना होगा। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ ईयर है तो यहाँ पर क्लिक करें, नहीं तो नीचे आई एग्री यहाँ पर क्लिक करें। और उसके बाद हम जो नीचे कैप्चा दिया है उसको फिल करेंगे। दोस्तों, ये जो कैप्चा दिया हम इसको फिल करेंगे। इसमें लिखा गया है JFS3AP। हम ये टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे दोस्तों टाइप हो जाता है, फिर हम इसे हम नीचे लिंक आधार कार्ड जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारा रिक्वेस्ट है वो वहाँ पे चला जाएगा। कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें आपका रिक्वेस्ट चला गया है और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपका पहले से ही लिंक है तो जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें बताया गया है कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर। मतलब आपका जो आधार कार्ड नंबर दिया उसके साथ आपका पैन कार्ड पहले से ही लिंक किया गया है, मतलब पहले से लिंक है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है कैसे पता करें, इसका मैंने पहले से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।